Hello, my dear viewers and all my dear students present here. This is Deepak Jain and today I am here to answer your questions to my level best. So if you have any question, you can please proceed with it. So why did we take birth? Your question is, why did we take birth? Hai na? Yes. And that's a spiritual question. Spiritual question, right? अगर मैं इसको वैसे कहूँ, हमने जन्म क्यों लिया, स्पिरिचुअलिटी को हटाकर, तो ये तो एक बेतुका सवाल भी हो जाता है, है ना? But if I answer this through spirituality, then yes, this question is a valid question, right? Why did we take birth? What is the purpose of life? What should we exactly do? Or what are we doing? हम कर क्या रहे हैं? At the end, what will we get? एट दी एंड ऐसा ना हो पूरी लाइफ गुजर गई एंड एक ओल्ड एज में आप सोच रहे हो व्हाट द हेल डिड आई डू, मैंने यू भी कुछ किया क्या था ये सब. एट दी एंड आप कहते हो कि लाइफ इज पैथेटिक, सब बकवास है, कुछ नहीं था, सब बेकार था. तो जब सब बेकार था एंड में कहोगे तो यानी पूरी लाइफ बेकार हो गई ना. अगर अंत बुरा तो सब बुरा, कहते ना अंत भला तो सब भला, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, राइट? है ना, प्रोवर्ब है ना ये. और पता चला अंत बुरा हो गया तो सब बुरा, राइट? तो ऐसा ना हो कहीं इंटायर लाइफ गोज वेस्ट, है ना. देखो, व्हाई डिड वी टेक बर्थ, इसका एक आंसर, ये क्वेश्चन एक महात्मा से हुआ था, है ना, कि भगवान हम संसार में क्यों आए. इन हिंदी ही आस्क्ड दिस क्वेश्चन. तो एक्चुअली यू मस्ट नो, जो सेंट्स होते हैं दे डू नॉट आंसर डायरेक्टली, दे गिव द प्रैक्टिकल आंसर, ओके, टू मेक यू अंडरस्टैंड बेटर. तो एक दो ग्रोइंग एज के, तुम्हारे एज के बच्चों ने साधु से यह पूछा, महाराज हम संसार में क्यों आए, है ना. उन्होंने कहा कल आना, कल आना. जब भी साधु ये कहे ना कि कल आना, समझ लो कोई गड़बड़ है, ओके. तो और होती है, तो वो उसको अपने साथ एक घूमने के लिए चले गए, ले गए. रास्ते में एक सिनेमा हॉल पड़ा, तो महाराज ने कहा, एक अच्छी बहुत गजब मूवी लग रही थी उसमें, तो उन्होंने उससे कहा अपने शिष्य से, डिसाइपल से, कि गेट टू टिकट्स एंड वी विल वॉच मूवी टुडे. ही वेंट एंड फर्स्ट ही वॉज सरप्राइज्ड दैट वुड यू वॉच मूवी. ही सेड यस आई वुड वॉच मूवी, ओके. ही सेड ओके, I would execute your order. He went, bought ticket, and they went inside the theater. शुरू में लाइट जल रही होती हैं, हल्की हल्की, है ना, so that you can see the seats, right? तो वो टॉर्च के माध्यम से उनको सीट्स दिखाई, कहा वहाँ जाके बैठ जाओ, है ना. दोनों वहाँ जाके बगल बगल में बैठ गए. अब अभी भी उसके दिमाग में क्वेश्चन था, महाराज हम इस संसार में क्यों आए, why did we take birth? है ना, दिस इनोसेंट गर्ल हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन, व्हाई डिड वी टेक बर्थ. पर बेटा संसार मत छोड़ देना बातें सुन के, माया मत छोड़ देना बेटा, है ना. कभी तुम्हारे पापा बेटा डांटे गई मेरे को आके, क्या कर दिया आपने, मेरी बेटी साध्वी बन गई, पढ़ने भेजी थी मैंने, ये क्या हो गया, राइट? ऐसा नहीं करना, है ना. हाँ चलो, कहीं गौतम बुद्ध बन जाओ. सो वो दोनों पास में बैठ गए, है ना. फिर थिएटर में क्या होता है, पीछे से एक लाइट आती है जो उस पर पड़ती है पर्दे पे, और रंग बिरंगी एक दुनिया जागृत हो जाती है, है ना. बहुत मज़ा आने लगता है एक, और वो इंसान उसमें खो जाता है. ही इज थॉरली इनग्रॉस्ड एब्जॉर्ब्ड इन दैट, है ना. कितनी देर के लिए, थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए अपना सब कुछ भूल जाता है. टेंशन है तो टेंशन को भूल जाता है, है ना. हिज माइंड डिविएट्स फ्रॉम द टेंशंस, राइट. जैसे शराब पी ली थोड़ी देर के लिए, होता है ना, तो ऐसे ही अब उसको मज़ा आने लगा, सब भूल गया उस चकाचौंध लाइट में, उन दृश्यों में, है ना. अब बगल में जो साधु थे, महाराज ही नज्ड हिम, उसको एक कोहनी मारी, है ना, कि ऐसे करके वो बोलता है, हे मूवी देखने दो, डिस्टर्ब मत करो. उन्होंने फिर कहा, होता है, हे डिस्टर्ब नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, है ना. अब थोड़ी देर उसमें फिल्म में डूबा रहा,
अब जैसे ही अचानक इंटरवल होता है ना, इंटरमिशन, अचानक से सारी ऑल द लाइट्स अपियर, फिर उन्होंने कहा, तब उसने उन्हें कॉल मारी, हाँ भाई, बोला अरे 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 महाराज, अरे मैं तो भूल ही गया, हाँ महाराज। अब वो बाहर आए, उन्होंने कहा बस बेटा आ जाओ बाहर। बोला महाराज पूरी फिल्म हाँ इतनी देखनी थी, और जो देखना था देख लिया, और जो दिखाना था दिखा दिया। अब वो बाहर आए, बेटा हम संसार में क्यों आए? वी केम इन द वर्ल्ड टू डिवोट आर सेल्व टू गॉड, एंड बिफोर आवर बर्थ वी वर द एंजल्स, हम लोग एंजल्स थे, एंजल्स फॉलो द कमांडमेंट ऑफ परमात्मा, दे आर एंजल्स, राइट, दे आर एंजल्स बेटर देन मैन, राइट, फरिश्ते इंसान से बेटर होते हैं ना, दे आर बेटर देन मैन, बट क्या है, बट दे आर एंजल्स। अब एंजल्स हैं, एंजल्स क्या है पता है, वो एंजल्स ही रहते हैं, ना नीचे ना ऊपर, ना नीचे जाते हैं ना ऊपर जाते हैं, वो एंजल्स ही रहते हैं। लेकिन क्या होता है, आप अगर ऊपर का पोस्ट हासिल करना चाहते हो ना, फ्रॉम एंजल टू गॉड, है ना, इफ़ यू वाना गो क्लोज टू गॉड, देन यू हैव टू डू समथिंग ग्रेटर, और ये ह्यूमन फॉर्म में आकर ही हो सकता है। तो जब आप एंजल होते हो तो यू फॉलो द कमांडमेंट ऑफ परमात्मा इन अकॉर्डिंग टू इस्लाम अल्लाह, राइट। और ऐसा आप क्यों करते हो, क्योंकि वहाँ एक पावर होती है जो आपको दिखाई दे रही होती है साक्षात, है ना, लाइव। तो पावर के आगे तो सब झुकते हैं, अभी कोई SSP योगी CM है PM है तो आप उस पर गुस्सा करोगे? मान लो एक आपकी किसी ने पीछे से कार ठोक दी, है ना, आप कार में जा रही हो या स्कूटी चला रही हो, पीछे से एक कार ने आपकी स्कूटी में टक्कर मार दी, आपको गुस्सा आएगा ना? देन सडनली कार के ड्राइवर निकलता है योगी CM, फिर गुस्सा आएगा? नो no. क्यों? पावर, है ना, फिर मना कर रहे हो आप, गुस्सा नहीं आएगा। तो बेटा ऐसे ही, तो जब गॉड इन फ्रंट है ना, तो पावर के आगे तो दबोगे ही, आप वर्शिप करोगे, यू विल बो डाउन, बट नाउ यू हैव बिकम ह्यूमन। इसीलिए गॉड ने आपको स्केप्टिकल बनाया है, यू मे और मे नॉट बिलीव इन गॉड, और इसीलिए गॉड ने अपना एग्जिस्टेंस स्केप्टिकल रखा है, यू मे और मे नॉट बिलीव, है ना, ऐसे ही तो चलता है, गॉड का डिबेटेबल टॉपिक होता है ना, डिबेटेबल, इसीलिए। तो देन यू केम इन दिस वर्ल्ड टू बी बेटर देन द एंजल्स, टू डिवोट योर सेल्फ टू गॉड, बट गॉड इतना बहुत चलाक है ना, गॉड आसानी से नहीं देगा आपको जो चाहिए, उन्होंने माया क्रिएट की, उन्होंने कहा अब देखना बेटा ये परीक्षा टेस्ट है आपका, ठीक है ना, माया। अब जैसे एग्जाम होता है आपका, अब जो डिस्ट्रैक्शंस ना हो, फिल्म ना हो, दोस्तों से गॉसिपिंग ना हो, कुछ भी ना हो करने को, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई हो, सिर्फ पढ़ाई हो, तो आप अव्वल हो ही जाओगे, फिर तो हो ही जाओगे भाई, डिस्ट्रैक्शंस अगर नहीं होंगे तो आप फर्स्ट आ ही जाओगे, है ना, फर्स्ट भी नहीं आओगे, क्योंकि सबके डिस्ट्रैक्शंस किसी की भी लाइफ में नहीं होंगे ना, राइट। तो पढ़ाई के अलावा कुछ बचेगा ही नहीं ना, फिर तो पढ़ ही लेगा आदमी, कुछ है ही नहीं। जैसे मान लो आप किसी जेल में चले जाओ और जेल में पढ़ाई करो, बहुत अच्छी पढ़ाई होगी, देखना, रियली, बिकॉज देयर इज नथिंग टू सी टू वॉच, है ना, यहाँ आपके से सारी फैसिलिटीज छीन ली जाए, मोबाइल, व्हाट्सअप, फेसबुक एंड फ्रेंड्स, है ना, कमरे में पूरा बंद कर दिया जाए, बाहर आओगे ही नहीं, बस खाना मिलेगा आपको, और सिर्फ किताबें हैं वहाँ पे पढ़ाई की, कुछ भी नहीं है, पढ़ोगे ही फिर तो, है ना, राइट yes, तो इसीलिए फिर तो भगवान में जाते ही आप, अब कुछ नहीं है तो भक्ति ही करोगे, राइट। तो माया क्रिएट की गई, इल्यूजन क्रिएट किया गया, डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट किए गए, बेटा अब करके दिखाओ, अब करके दिखाओ, है ना, एंड यू आर स्वेड अवे बाय माया, हो जाता है ना, देन यू आर डिविएटेड फ्रॉम गॉड ऑब्वियसली, राइट। सो यू केम इन दिस वर्ल्ड टू डिवोट योर सेल्फ टू गॉड, राइट, टू फॉलो धर्मा रिलीजियन, ओके। बट माया आती है, लालच भी आ जाता है, कई बार होता है ना, किसी का रुपया मार लिया, जमीन जायदाद मार ली, थोड़े समय के खेल के लिए लालच, है ना, कई बार आपने देखा होगा, आप बस में यात्रा करते हो, दो लोगों में लड़ाई हो जाती है आपस में, तो लोग पता है क्या कहते हैं, अरे यार थोड़ी देर का सफ़र है, मैनेज कर लो, एडजस्ट कर लो, फिर मंजिल आ जाएगी, तुम कहाँ जाओगे, ये कहाँ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कौन कहाँ गया। सेम इज़ द केस हियर, पीपल आर फाइटिंग, जमीन जायदाद, झगड़े,
है ना, सफ़र है थोड़ी देर का, एडजस्ट कर लो, अभी तुम मर जाओगे पक्का, हस्बैंड और वाइफ ही क्यों ना हो, है ना, वेयर वुड हस्बैंड गो, वेयर वुड वाइफ गो, नोबडी नोज, राइट। सो इसे कैसे भी काट लो, लाइक दिस, विदाउट क्वेरल्स और लाइक, एंड डिवोट योर सेल्फ टू गॉड। अब देखो यहाँ एक क्वेश्चन और उठता है, फिर मैं ये कुछ ना करूँ, शादी विवाह काम धंधा ये सब करो, इसे भी करो, बट कीप गॉड इन माइंड, कीपिंग गॉड इन माइंड डू एवरीथिंग, है ना। और फिर जब वेन यू विल कीप गॉड इन योर माइंड, जब आप भगवान को ध्यान में रख के करोगे तो आपसे गलत काम नहीं होगा कोई भी, है ना। इफ़ यू टेक गॉड ए साक्षी, भगवान को साक्षी मान के करोगे कुछ भी, तो जब गॉड को ये रखोगे वो हर समय मुझे देख रहा है, हर समय हर पल हर घड़ी, तो फिर आपसे कोई गलत काम नहीं होगा ना, है ना। और फिर जब गलत काम तुमसे नहीं होगा तो लाइफ में कुछ गलत होगा ही नहीं। इस बात को एक उदाहरण दे के समझाऊँ, एक सवाल के माध्यम से, और वो सवाल पक्का आपके दिमाग में हो भी सकता है और होना चाहिए, इफ़ यू आर क्यूरियस। महाभारत किस किस ने देखी है, सबने देखी है। महाभारत में एक सवाल था लॉर्ड कृष्णा से, लॉर्ड कृष्णा से वैसे बहुत सवाल हैं आज भी, भगवद गीता हैज़ नॉट आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, बल्कि मैं तो जितना भगवद गीता पढ़ता हूँ और क्वेश्चंस का जन्म होता है मेरे, आंसर्स का नहीं, ठीक है ना। इट डजेंट क्वेंच माई थर्स्ट ऑफ माई क्वेश्चंस। देखो एक सवाल कि भगवान लॉर्ड कृष्णा ही वॉज विथ पांडवाज, राइट, एंड ही लव्ड पांडवाज, पांडवाज ऑल्सो यूज टू लव, है ना, दे लव्ड लॉर्ड कृष्णा अलॉट, फिर भी, और द्रौपदी तो उनकी बहन थी, युधिष्ठर उनका कितना प्रिय, अर्जुन कितना प्रिय था, इन सबके बावजूद भी उनका, आपको ध्यान है, द्रुत कीड़ा हुई थी, गैम्बल जुआ, वो भगवान ने होने ही क्यों दिया, युधिष्ठर ने अपना राज्यपाट उसमें क्यों खोया, द्रौपदी को बाल पकड़ के घसीट के लाया गया, उसकी इज्जत, शी वॉज, दे ट्राइड टू डिसरॉब द्रौपदी, है ना। तो भगवान ने ये सब होने ही क्यों दिया, ये सब हुआ ही क्यों, इजेंट इट अ क्वेश्चन, इजेंट इट अ वैलिड क्वेश्चन, माइंड में आया कभी, है ना। देखो लेट मी टेल यू दिस, भगवान ने कहा है आप मुझे प्यार करते हो मुझे साक्षी मान के, अगर आप कोई काम करोगे तो आप अच्छा ही काम करोगे, गलत काम करोगे ही नहीं। वो तो जब आप कोई मुझे साक्षी नहीं मानते ना, जब आपके सामने माया लालच आता है ना, आप मुझे भूल जाते हो और उस काम को कर देते हो और फिर मुसीबतों में पड़ जाते हो, ठीक है। ऐसा ही युधिष्ठर के साथ में था, जब युधिष्ठर को द्युत कीड़ा के लिए आमंत्रित किया गया था ना, तो उसने भगवान कृष्ण को बताया नहीं, भूल गया, उसे पता था कि कृष्ण उसको खेलने नहीं देते, और अगर कृष्ण खेलते बता देता उनको, बता के काम करता, तो अगर वो पासे फेंके जाते तो पासे किसकी बात ज़्यादा मानते, शकुनी की या कृष्ण भगवान की, कृष्ण भगवान की। मगर युधिष्ठर कि यही भैया मुझे खेलने नहीं देंगे, इनको बताओ ही मत, उन्होंने, युधिष्ठर ने उनको मना कर दिया, ठीक है, वहाँ आने से और बताने से, जानने से। अब क्या हुआ, उन्होंने वो गलत काम शुरू कर दिया, किए चले गए, राइट, वो गलत होता चला गया फिर, है ना। उस समय पे दुर्योधन जो था, वैसे वो दुराचारी था मगर उसके पास विवेक था, विवेक, खेल में वही जीतता है जिसके पास विवेक होता है, बुद्धि होती है। आप चाहे गेम में पैशनेट हो, अग्रेसिव हो, फाइटिंग के गेम में भी बुद्धि का प्रयोग होता है, ध्यान रखना, नहीं तो आप हार जाओगे। तो दुर्योधन में विवेक था, सोचो जरा, उसने पासे किसके हाथ में दिए, शकुनी मामा के हाथ में, उसके पास विवेक था, तो खेल में वही जीतेगा जिसके पास विवेक है, और युधिष्ठर के पास विवेक नहीं था, तो वो उसका हारना निश्चित था, राइट। तो एक ये भी वजह थी, भाई विवेक नहीं है तो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो वही हुआ, फिर द्रौपदी को घसीट कर वहाँ लाया गया, शी वॉज ड्रैग्ड इन द असेंबली। तो द्रौपदी ने भगवान के आगे खुद को सरेंडर नहीं किया, वो बहुत देर तक अपनी ताकत का प्रयोग करती रही, जैसे केश छुड़ाती रही, किससे, दुशासन से छुड़ाती, जबरदस्ती करती रही, ताकत का प्रयोग करती रही वो, है ना।
फिर जब सभा में भी लाई गई, अगर आप इसको गहराई से आप पढ़ो आप पाओगे, जब उसका डिसरॉबिंग हो रहा था, चीरहरण साड़ी खींची जा रही थी, तब भी उसने रोकने की कोशिश की, भगवान को याद नहीं किया था, भगवान उसके माइंड में नहीं थे उस समय। फिर उसने एक हाथ से साड़ी पकड़ी, एक हाथ ऊपर किया, हे कृष्ण, तब भी भगवान नहीं आए, क्योंकि उसको कृष्ण भगवान पे पूरा भरोसा नहीं था। एक हाथ से साड़ी पकड़ी हुई थी, एक हाथ ऊपर, ठीक है, तब भी लॉर्ड कृष्ण डिंट कम। फिर उसने साड़ी बिल्कुल छोड़ दी दूसरे हाथ से भी, और दोनों हाथ जब ऊपर किए, हे कृष्ण, तब पूरा बिलीव जब द्रौपदी को कृष्ण पे हुआ, पूरा समर्पण जब उसने किया, देन लॉर्ड कृष्ण अपीयर्ड। गेटिंग द पॉइंट? तो देखो द क्रक्स जो मुख्य है वो है ना, रूट वो ये है, ईश्वर को साक्षी मान के हमेशा वो मुझे देख रहा है, हर समय मेरे पास है, साथ है, तो आप गलत काम करोगे ही नहीं, होगा ही नहीं आपसे, है ना, भगवान देख रहा है। और अगर आप जहाँ गलत काम से आपका पर्दा पड़ा आँखों पे लालच का, और आप भगवान को भूल गए, है ना, तो गलत काम कर गए, और उसमें उस गलत काम का फल तो तुमको मिल जाएगा थोड़ी देर का, थोड़ी देर, जैसे 10,000 हैं, 10,000 रुपये हैं मान लो, तो 10,000 रुपये से आपने कुछ दिन मजे ले लिए, लेकिन जो बाद में ना जो निकल के आएगा ना, तो आप सबको पता होना चाहिए, गॉड उस समय ये बात भूल जाता है आदमी, मैं हूँ या कोई भी हो, कि भगवान लेने वाला और देने वाला भगवान है। आपको वो 10,000 नज़र आएंगे बस, लेकिन आगे जो फ़ायदे और नुकसान होंगे बहुत बढ़कर या बहुत घटकर, वो आपको दिखाई नहीं देंगे, यू कैन नॉट फोरसी देम, तब आपको वो 10,000 दिखाई देंगे बस, तब आप ये भूल जाओगे कि लेने वाला और देने वाला ईश्वर है। जब वो देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब वो लेता है तो पता नहीं क्या फाड़ के लेता है, आई डोंट नो, ठीक है ना। और हम ये वी फॉरगेट दिस राइट, तो उस समय ये मत भूलना। एंड आई एम ऑल्सो अप्लाइंग ऑल दीज थिंग्स इन माई लाइफ नाउ, मैं ये नहीं कह रहा, आई कन्फेस कि मैंने कभी गलत काम नहीं किए या हुए, मुझे उनके फल भी मिले हैं, है ना, लेकिन नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ लाइफ आई एम ट्राइंग टू अप्लाई, और ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ सो दैट यू ऑल्सो टू अप्लाई एंड देयर नॉट टू बी एनी मिजरीज इन योर लाइफ, जस्ट डू गुड, है ना, डू गुड, अच्छा काम करते रहो, बुरा ना करो, बस भक्ति अपने आप हो जाएगी, मत करो भक्ति, अधर्म भी मत करो, कर्म करते रहो बस, है ना, भक्ति अपने आप हो जाएगी। भक्ति डजेंट मीन कि दिया बत्ती करो या सब ये सब, भगवान का स्मरण करते रहो, जब भी कुछ करो भगवान भी संग में है, देख रहा है, साथ है मेरे, इनफ, बहुत है ये, एंड लाइफ विल कम्प्लीटली चेंज। इज दैट क्लियर? सो व्हाई डिड वी कम ऑन दिस अर्थ? क्लियर? चलो तो दुनिया मत छोड़ना, कर्म भी करते रहना, और भक्ति भगवान का भी स्मरण, अपने ईष्ट देवता का जो भी है, ठीक है, स्मरण भी करते रहना, भूलना नहीं। क्लियर? चलो दैट इज इट, थैंक यू सो मच, थैंक यू।